हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आप सभी की ये डिमांड थी कि सर आरयूएचएस के पैरामेडिकल फार्मेसी और इसके अलावा फिजियोथेरेपी तथा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इनकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, इसको लेकर के कोई अपडेट है तो आप हमारे से शेयर कीजिएगा। तो देखिए मेरे साथियों, मैं आज यहाँ पर आपको काउंसलिंग को लेकर के कुछ डिटेल दे रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से हर एक बात को सुने। मेरे पास काफ़ी बच्चों के कॉल और मैसेज आते हैं कि सर मेरे 30 नंबर आए हैं, मेरे 35 आए हैं, मेरे 40 आए हैं, मेरे 56 आए हैं, ऐसे बहुत से पूरे दिन भर कॉल कर रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपकी चिंताएँ बिल्कुल जायज हैं और आप कॉल कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस बात को लेकर के अब आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी, ज्यादा कॉल भी नहीं करने, ठीक है ना। इस चीज के लिए आप कॉल मत कीजिएगा कि सर मैं काउंसलिंग करवाऊं या नहीं करवाऊं, क्योंकि आज मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि किस कितने नंबर तक बच्चे को काउंसलिंग करवानी चाहिए और दूसरा काउंसलिंग शुरू कब होगी। तो पहले तो सुनिएगा, जिस स्टूडेंट के पैरामेडिकल में, पहले मैं पैरामेडिकल की बात करूंगा, पैरामेडिकल के अंदर यदि किसी के 30 नंबर से ऊपर हैं, 30 से ऊपर हैं, तो वो काउंसलिंग करवा सकता है। यदि उसे कॉलेज नहीं मिलेगा तो उसकी केवल काउंसलिंग की जो 500 रुपये फीस है वो ही लगेगी, इसके अलावा बाकी फीस वापस मिल जाएगी। क्लियर चीज। दूसरी बात फार्मेसी की कर रहा हूं, फार्मेसी के अंदर जिस स्टूडेंट के नंबर 25 से ऊपर है वो आराम से काउंसलिंग करवाए। आपके भी अगर आपका, आपको कॉलेज पहली लिस्ट में कोई अगर मिल भी गया और आपको अगर वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आपकी फीस आपको वापस मिल जाएगी। कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, अगर कॉलेज नहीं मिली आपको तो पेमेंट वापस मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी में भी जिसके 30 से ऊपर नंबर हैं वो जरूर काउंसलिंग करवाएं। तो ओवरऑल मैं आप सभी से यही बात कहना चाहता था, थोड़ा पैरामेडिकल के बच्चे जो हैं, जो जनरल के बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि जनरल का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके 35 या 40 नंबर कम से कम होने चाहिए। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे 30 से ऊपर है तो काउंसलिंग करवाएं, जनरल वाले थोड़े ज़्यादा नंबर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि पैरामेडिकल में केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज है तो पैरामेडिकल में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, फार्मेसी में कोई रिस्क नहीं है, बीपीटी में कोई रिस्क नहीं है, इनमें तो सभी बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, मैं तो यह कहता हूँ, ठीक है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा है कि पहली कट ऑफ लिस्ट कब आएगी, मतलब यह कि हमें काउंसलिंग के लिए कॉलेज की चॉइस कब बढ़नी है। देखो बहुत से बच्चे कट ऑफ के लिए पूछ रहे हैं मेरे से, तो बच्चों कट ऑफ तब निकलती है जब काउंसलिंग शुरू हो जाती है। अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है तो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले काउंसलिंग के लिए क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सभी बच्चे तो भाग लेंगे नहीं काउंसलिंग में, तो इसलिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की फीस देनी पड़ेगी, जितनी भी होगी 500, 550, 1000, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करवाना पड़ेगा, इसके बाद में आपको कॉलेज का नाम भरना पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो फर्स्ट चॉइस है, कौन सा कॉलेज सेकंड चॉइस है, कौन सा थर्ड चॉइस है, कॉलेज की क्या भरनी पड़ेगी चॉइस। इसके बाद में आपको ये फॉर्म लॉक करना होगा। जैसे ही आप ये फॉर्म लॉक कर दोगे तो 2 से 3 दिनों के बाद आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगी। फिर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट वालों बच्चों को कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है। इसके बाद भी अगर सीट खाली रहेगी तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आएगी। यह प्रोसीजर चलेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब काउंसलिंग की डेट क्या है सर, अनुमानित डेट क्या है, कब तक शुरू हो जाएगी? तो मेरे दोस्तों आपकी काउंसलिंग 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में शुरू होने की कंप्लीट न्यूज है मेरे पास, तो इसलिए मेरे पास जो न्यूज़ है फिलहाल वो यही है कि 25 को तो चूंकि बीएससी नर्सिंग वालों का एग्ज़ाम है, 26 जनवरी उस दिन डिपार्टमेंट बिजी रहेगा,
तो करीब करीब आपका मेरे दोस्तों 27 जनवरी से लेकर के और 30 जनवरी के बीच में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो सकता है, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो सकता है। इस बार बीएससी नर्सिंग वालों का भी रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर अंदर जारी होगा मेरे दोस्तों, तो इस बात की भी संभावना है, इस बात की भी संभावना है कि बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट को जारी करके तुरंत और फिर सभी कोर्सेज की काउंसलिंग एक साथ भी करवाई जा सकती है। इस बात को भी मैं नकार नहीं रहा हूं, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्तों आपको और 5-6 दिन इंतजार करना पड़ेगा। आप ज्यादा जल्दबाजी मत करिए, आप ज्यादा पैनिक मत होइए। जैसे ही आपके काउंसलिंग का अपडेट आएगा मैं सबसे पहले दूंगा, आप ये मान के चलना, क्योंकि एग्जाम, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, हर एक जानकारी मेरे पास सबसे पहले आने वाली है मेरे दोस्तों, और मैं ही आपको सबसे पहले सबसे सही जानकारी देने वाला हूं। आपको किसी प्रकार से इस चैनल पे कोई भ्रमित नहीं करेगा मेरे दोस्तों, इसलिए आप पैनिक मत होइए। पहले जगह जगह जाकर के इस बात के लिए आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम को करवाने में बिजी है। इसलिए 3-4 दिन बीएससी नर्सिंग में पूरा डिपार्टमेंट बिजी है, उन्हें पेपर भेजने हैं, उन्हें सेंटर पर पेपर भेजने हैं, वापिस एग्जाम के बाद ओमआर सीट लेनी है, तो इसलिए एक सप्ताह तो आपका चला जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि 27 तारीख के बाद ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, 27 से पहले शुरू नहीं होगी। काउंसलिंग की जिस दिन डेट आएगी उसके बाद आपको 7 दिनों का मौका दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ और 2 दिन में ही काउंसलिंग का पोर्टल बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको 7-8 दिन का टाइम मिलेगा, मैं भी आपके अपडेट डालता रहूंगा। आप नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि जैसे ही कोई न्यूज आएगी मैं तुरंत टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके अलावा जितने भी बच्चे जिन्होंने पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी का फॉर्म भरा है, और यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं अभी, ठीक है, तो मेरे दोस्तों आपने प्रिपरेशन तो वैसे ही कर ली है, आपके केवल एक बायो ही तो पढ़नी है। प्रयोगशाला सहायक की भर्ती आ रही है, अगले सप्ताह मेरे दोस्तों विज्ञप्ति जारी हो रही है, बहुत बढ़िया जॉब है, हाथ से जाने मत देना मेरे दोस्तों। और हमारी टीम 27 जनवरी से प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के लिए मेरे दोस्तों ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री लाइव क्लासें देगी, और लाइव क्लास का टाइम रहेगा मेरे दोस्तों शाम को 5 बजे से 7 बजे का और सुबह 8 बजे से 9 बजे का। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि आप हमेशा शाम को 5 बजे विजय एजुकेशन एंड न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़ें, प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करें, जिसमें हम मेरे दोस्तों 2 पेपर होते हैं आपके प्रयोगशाला सहायक में, जीके का पेपर और 1 पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है। और प्रयोगशाला सहायक का फॉर्म मैथ का स्टूडेंट भी भर सकता है, बायो का भी भर सकता है और एग्रीकल्चर वाला भी भर सकता है। तो मेरे दोस्तों हर एक नए अपडेट के साथ मैं आपसे मिलता रहता हूं, मुखातिब होता रहता हूं, तो नया जैसे ही अपडेट आएगा आपके काउंसलिंग का मैं आपको तुरंत बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।